भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पे पूरी तरीके से प्रतिष्ठा फंसा ली है। कारण साफ है कि 2024 में मिले डेंट को वो इसमें भरपाई करना चाहिए। हमारे साथ सुनील शर्मा है, कैबिनेट मंत्री है, गाजियाबाद की प्रभारी है, ड्यूटी तो लग गई है, निर्देश भी है, तो जहां आप लोगों की ड्यूटी है बाहर नहीं जाना है। क्या होगा परिणाम? परिणाम 100% विजय का होगा। मैं गाजियाबाद विधानसभा में हूँ, हम 100% जीतेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की नौ सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो सहयोगी संगठन है NDA के, वो मिलकर के जीते। लेकिन करहल तो यादव लैंड है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, उनके फैमिली के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे हम सीसमो की बात करें, कौन सा ऐसा समीकरण होगा चुनाव जीतने के लिए करहल, जहाँ आप 9 सीटों की दावा कर रहे हैं? जनता का भारतीय जनता पार्टी को समर्थन, एक ही समीकरण। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो अधिकारी सुन नहीं रहे, शिवपाल यादव का आरोप है कि जो अधिकारी सुन नहीं रहे या धमकी कह सकते हैं, उनका हम लोग लाल पेन से नाम नोट कर लिए हैं, जब सरकार आएगी तो लोगों का हिसाब करेगी। गुंडागर्दी करना, लोगों को धमकाना, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है, चेहरा है और उनकी कार्य पद्धति है जो बता रहे हैं। हमारे साथ सुनील शर्मा, कैबिनेट मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी है गाजियाबाद सीट चुनाव जीतने की। उन्होंने कहा कि सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, और शिवपाल यादव के उस बयान पर जिन्हें उन्होंने कहा था कि जो अधिकारी सुन नहीं रहे उनका नाम नोट कर लिया गया है, उस पर पलटवार करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि इनका चरित्र रहा है गुंडागर्दी का। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।